हाँ वे सुरमा पाके आगे देख रहे थे यहाँ पर बहुत महंगाई है। दो बंदों की बिरयानी 1000 रुपए की है। वली अपना मैल साफ कर रहा 3-4 दिन का, उसमें जिनका दिल टूटा होता है, जिनको उसकी आश महबूबा नहीं मिल रही, वो ऐसे पत्थर में पत्थर फेंकते पानी। फैजान साहब उसकी ग्लासेस लगाए, गर्मियों के लिए ना राशन इकट्ठा करूं, गर्मियों में बड़ी बर्फ की जरूरत पड़ती है। चेक करो यार वो देखो, फिर चेक करो, ये देखो हम ऊपर वाली पहाड़ी में जा रहे हैं, ये देखें बर्फ में बर्फ है ना, तो ऊपर बिल्कुल टॉप पे चलते हैं अभी, बिल्कुल आ रहा हूँ। 1 घंटा मेरे पास है, 1 घंटे में हमने सारे काम करने। अभी गिरता मैं, हाथ पे कर ले यार, हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमने जुमा भी पढ़ना है, जिसमें 1:30 बजे जुमा होना है, जुमा भी पढ़ना है और इसके बाद हम लोग ऊपर भी जाना है पहाड़ियों पे। और देखो यार एक तो ये है ना सर जी, ऐसा करते हैं इस तरफ चलते हैं, यही रास्ता है या इधर से ही चलते हैं, आ जाओ ओ तेरी पौंग चला गया अंदर, चलो यार ऊपर चढ़ते हैं। यार ये स्लीपिंग मेरी बर्फ हो चुकी है, अब हम लोग दुआ करो बच जाए, नीचे ना गिरे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हम घाटी। ये लो यार इस बंदे को इंस्टा पे फॉलो कर देना। हाँ बोल, मस्ट फॉलो हो गया यार, क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना ये भाई, कह रहे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। ऊपर नहीं जा रहे क्या? बाद में नीचे आना मुश्किल हो जाना, हम ऊपर ही नहीं जा रहे, वॉशरूम यहाँ पर नहीं है भाई। वैसे ही जगहों पे प्लेसेस पे ना लोग ऐसा करते हैं, घूम लेते हैं, 30 रुपए लेता है, ये देखो 30 रुपए वॉशरूम पे लेते हैं, पता है यहाँ पर, वहाँ पर 20 था यहाँ 30 है, तरक्की हो गई ना, 10 रुपए आगे जा 50 रुपए भी मंगेगा नहीं फिर हम रोक लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। चलो यार बर्फ के अंदर से गुजरते हैं, हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं। ओ भाई मैं पूरा पांव अंदर चला गया, ये अरे ये देखो ये अभी चलते हैं यार, ये देखो जा रहे हैं पांव अंदर, ये देखो यार ये कैसे कैसे अंदर धरती जा रहा है, यू नो के निशान बंदे तो इधर आ जाओ, इंसान के बच्चों की तरह। नीचे हम लोग का पूरा ग्रुप है, बल्कि दूसरे क्लास वाले का, ये ग्रुप बन गया था नहीं ये इतना। अच्छा वैसे ठंड नहीं लग रही, गर्मी थोड़ी बहुत लग रही है। आराम से चली मोहित, शूज के अंदर तक यकीन मानो बर्फ जा चुकी है, हैं इसके ऊपर से गुजर के चला जा फिर। और नहीं है ऊपर जगह ही देख, जगह है गुजर सकते हैं सर जी, गुजर सकते हैं इधर से। हाँ यार गुजरो, आजा उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, आजा कुछ नहीं हो रहा, आजा यार ये सीन ही तो कमाल का है यार, यहाँ खड़े होकर पिक्स लो, मैं तो कह रहा हूँ ये पीछे का, ओए बली बली यहाँ खड़े होकर पिक्स लेते, पीछे का भी आएगा सर जी, यहाँ खड़े होके, यहाँ खड़े होके लेते पीछे का व्यू आएगा, व्यू बड़ा कमाल है, ये देखिए इसके वली वली इस पे बैठ के तस्वीर खिंचवाएगा, वही कह रहा है इस पे बैठ के कौन तस्वीर खिंचवाएगा, मैंने कहा तू देखो यार सब चीजें छोड़ो व्यू देखो तुम, आए आए कमाल का व्यू है। जैन भाई, जैन भाई बंद कर दे, इसको तो लेना है ना, कैमरा बंद कर, ओके ब्रदर। जैन भाई पागल हो रहा है, सर खड़े हैं अखाँ में सुरमा पाके, आगे आगे मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, इतने खूबसूरत सिंगिंग आप गा रहे हैं, मैं कैसे गा सकता हूँ लेडीज यार, इस गाने के मुझे नहीं आते, इस गाने के मुझे नहीं लेडीज, बंद कर कैमरा, नहीं कैमरा नहीं बंद होना, वे होनी है तो पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रही इसके लेडीज। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने पिक्स वगैरह ले ली और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, ये जो मैंने अभी आपको अभी तक दिखाया, अच्छा बनाता हूँ बनाओ, अभी तक जो मैंने आपको दिखाया वो शारदा गांव था, ये हमने शारदा गांव से हम बाहर ब्रिज पे आ चुके हैं क्रॉस करने के लिए, हम अब पता नहीं मेरे ख्याल से जुमा पढ़ने जा रहे हैं या अपनी बस में जा रहे हैं, टाइम नहीं यार तस्वीरें। अभी जो है हम लोग कुछ खाने पीने के लिए देख रहे थे, यहाँ पर बहुत महंगाई है, 2 बंदों की बिरयानी 1000 रुपए की है, जो कश्मीरी टी है यानी चाय, वो 200 रुपए का एक कप है यार, देखो समझ नहीं आ रही मेरा,
मेरा मानना ये है कि अगर आप आए हो ना और अगर आप एंजॉय करने आए तो फिर पैसा मैटर नहीं करता। वो पैसे मैटर नहीं करते लेकिन यार अपने बजट के हिसाब से इंसान को बजट सारा उड़ा दो। बजट तो फिर बाकी जब कल का क्या करना है, कल की कल देखी जाएगी। ओए अभी गिर गया स्लिप, वो वापस आ गए हम लोग सब यहाँ पे गायब हैं, पता नहीं कहाँ पर जाने सारे। लेकिन हम अपनी बस के पास जा रहे हैं, सर हमारे वहाँ पर खड़े हैं। वली अपना मैल साफ कर रहा है 3-4 दिन का। वली बहुत गंदा हुआ है। ओए ये मैंने स्टोन इकट्ठे करने हैं, स्टोन लेने 3-4, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पानी साफ है, और साफ पानी है भाई, साफ पानी है पर ठंडा बड़ा है। देखो ओ तेरी बह, ठंडा बड़ा है पानी, लग पता जाना इतने तुम लोगों को। ग्लासेस उसकी गई अनान की, अनान बच गई है। साफ कर लेना, साफ कर ले बच जाएंगी। ये अब पीछे रखना थोड़ा सा होके कभी गिर रही हो। वली मजा आया वो ठंडे पानी में मूड हो रहा है। ठंडा ठंड ठंड पानी गंदा। ओ यार पानी ये वाला गंदा नहीं है, पूछो क्यों। ये ग्लेशियर से आ रहा है, ये रुक नहीं रहा, देखो चली जा रहा है पानी, तो गंदा नहीं है ये पानी, यूज कर लो। हाँ ये इसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, यूज कर ले। फिर से गिर गया, सीन हो गया तेरे साथ नान। वैसे मैं वीडियो बना रहा था। पत्थर कह रहे हैं आगे पानी साफ है, तो आगे पत्थरों के पास जो है ना वो वाला पानी यूज कर लो, मुंह वगैरह धो ले। तो हम वहीं पर आ गए, ये देखो ये वाला पानी वो देखो, वो पानी आ रहा है वहां से, चली जा रहा पानी। स्टॉप नहीं होता ये वाला, स्टॉप बिल्कुल नहीं हो रहा ये पानी। तो हम लोग वैसे ही फ्रेश होने के लिए मुंह वगैरह धो रहे हैं। एहसन भाई को देखो, बच्चों वाले काम ना करो एहसन, पत्थर उठा के फेंक रहे हैं वहां पर। ऐसे वो लोग करते हैं, पुरानी फिल्में मैंने देखी हैं उसमें जिनका दिल टूटा होता है, जिनको उसकी आश महबूबा नहीं मिल रही होती, वो ऐसे पत्थर में पत्थर फेंकते पानी में। ये ऐसे होता है फ्रेंड्स के नहीं, अगर उधर जाएगा तो वापस आएगी, नहीं जाएगा तो नहीं आएगी। चलो अब मूड होते हैं। यार एहसन को मैं उठा रहा हूँ, एहसन उठ ही नहीं रहा, उठने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कौन सी इसको रोग इसको लगा हुआ है। यार एक पिक बना लूंगा उठ जाऊंगा कह रहा हूँ, नहीं मान रहा। ये देख पिक्स बना रहा है वो लड़का। चल यार उठ जल्दी से, मुझे पिक्स लेने थे, दो तीन पिक्स लेने थे मुझे, कल मैंने वाकई नहीं पिक्स ली वहाँ पानी के पास, अब तो लेने। यार पता नहीं तुम्हारे भाई को कहाँ से पिक्स का शौक चढ़ गया, मैं दोबारा से बर्फ में ये वाली साइड पे आ चुका हूँ पिक्स वगैरह लेने के लिए। मैंने कहा यार फैजान को पकड़ के ले आऊँगा, फैजान यार मेरी पिक्स वगैरह उतार दे 4-5 और। वो देखो सामने ये नज़र आ रहा है पहाड़, इस पर बर्फ़ है, तो ये वाला व्यू कैप्चर करना है, तो हम वही जा रहे हैं। लेकिन पाँव हम लोग का धसा जा रहा है। इधर बैठ, इधर बैठ, बैठना नहीं भाई, जैसे वहाँ पे बैठो। कह रहे बैठ के पिक ले भाई, बर्फ में मैंने नहीं बैठना यहाँ टांग भाई, पिक्स लेने के यहाँ बर्फ शूज के अंदर तक चली जाती है। तो ये बात कर रहा है हलाने के की है क्या, ऊपर स्लाइड ली है ऐसे गिरता हुआ है ओ तेरी, उसका स्लोमो बनाया। लेवल का सीन है कि नहीं यार, पिक्स वगैरह हम लोगों ने ले ली है, ये देखो। अब लोग मैं कह रहा हूँ कि यार वो पानी के पास खड़े होके पिक लेनी है, जैसे वो सर खड़े होके ले रहे हैं, तो मैंने ऐसे लेनी है। तो इसको कह रहा हूँ मैं, डर रहा है कि शूज गंदे हो जाएंगे।
से गए ना, और पानी का व्यू यार दिखाओ कितना कमाल का हाल है यार। तो यार यकीन मानो इतना हैवी सीन लग रहा है ना, ये तो डर है जान। मैं तो कह रहा हूँ क्लिप रिकॉर्ड करो, पीछे अच्छा कैमरा रिकॉर्ड करते हुए। तो यार अभी लेट हो रहे हैं, दो बज चुके हैं, हम लोग का स्टे यहाँ पे खत्म होने वाला है, बस चलते हैं अब, बस में बैठते हैं और आपसे शेयर करते हैं। लेट्स गो, वरना करिए। वो मुझे तो आने दे। आजा। चल। इसमें इधर यार ही देखो, ये मेरे पाँव दस रहे हैं। ये दिखाओ यार, ये देखो पाँव दस रहे हैं। अभी नहीं दस रहा, अभी दिखाऊंगा। अभी देखना। पता ही रहेगा क्या? देख कितनी बड़ा, यार कितनी ज़्यादा। बे बे। हम गलत आ गए, आगे इस तरफ चलते हैं यहाँ। यहाँ बर्फ बहुत आ जाता है। रिजवान भाई ये क्या कर रहे हो यार? तू वीडियो बना रहा है? अच्छा बात है यार, मैं ना घर के लिए एक्चुअली गर्मियों के लिए ना राशन इकट्ठा करूँ। गर्मियों में बड़ी बर्फ की जरूरत पड़ती है, रोजे भी आ रहे हैं आगे, तो आपको पता है लाइट वगैरह का इश्यू है, तो बर्फ का बोला यू नो ये बना के। तुझे पढ़ने वाला बंद कर दे कैमरा। यार आप देख सकते हैं हम लोग फोटो शूट करके आ गए, हमें हमारे बाकी के ग्रुप वाले मेंबर्स नहीं मिले। ओ ये कौन है यार? आप देख दोनों हमारी क्लास के शहजादे अब्दुलमान वर्सेस अब्दुलमान। वीडियो बन रही है तुम्हारी, गिरा दे इसे पानी में, गिरा दे पानी में, धक्का दे दे इसे भाई। खैर है, वीडियो बनाइए मिनी ब्लॉग। हाँ कह रहे गुड। वो देखो अब्दुलमान साहब, अब्दुलमान जूते से गा रहा। किसने गिराया था? दोस्त ने यार, इन भाई के लिए कोई दुआ करे कि इनके जूते सूख जाए। बहुत मुसीबत में है। तो यार हम लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन होटल्स में ये कैरन में हम लोग रुके थे ना, वो ये वाला होटल है। देखो हम वापस पहुँच चुके हैं, ठीक है, कैरन में, कैरन वापस पहुँच चुके हैं, और हम लोगों ने अपर नीदम वैली अब जाना है, तो यहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे, क्योंकि अभी स्टे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें बसेस वगैरह लेकर जाएंगी, जीप लेकर जाएंगी हमें वहाँ पर, क्योंकि अपर नीलम वैली में बस की कोई जगह नहीं है, कोस्टर वगैरह की पार्किंग की कोई जगह नहीं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से हम लोग ये जीप्स वगैरह में जाएंगे। अभी वो देखो आगे से क्या सीन होता है, जैसे ही बताते हैं, फिर हम जीप में बैठ के अपर नीलम वैली देखेंगे। हाँ जी, तो यार उसका ब्लॉग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपर नीलम वैली का। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।